आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल मौर्या स्नेक सेवर, और यहाँ पे स्नेक निकला हुआ हमको सूचना मिली है और मौका पर मार चुके हैं। आइए देखते हैं कौन सा स्नेक है। आइए भाई साहब, बहुत ढांचा सांप है, काला काला है। हाँ जी, काला काला है, काला है पेट पे, जरा उसके सफेद निशान है इधर आलू में, इधर हाँ इधर निकला है, कमले के अंदर है, किधर दिखा था, इधर आलू में, इधर दिखा था, इस साइड, इस साइड, इस साइड, इधर ही दिखा था, इधर दिखा था, हाँ इधर ही दिखा था, सिर्फ काला था, कोई निशान नहीं था। नहीं नहीं, उसके पेट पे सफेद निशान था, व्हाइट व्हाइट पट्टी थी। हाँ व्हाइट व्हाइट पट्टी थी उसकी। इन लोगों के बताने के मुताबिक हो सकता है कि इसने कहीं जाने के इंडियन बारे में हो सकता है। जी नहीं इधर ही दिखा था, क्या रोक गया यार, इधर ही दिखा था, इसने यही तो दिखा था। हाँ दिखा यही था, उसके पीठ पे सफेद निशान भी था। जी जी, हम लोग खुद देखे हैं उसको। जी सर, जी सर, तभी तो आपको बुलाए हैं। जी जी, अरे अंदर बाहर से इधर आके कोने से घुसा है सर, तब भी हम लोग देखे थे। जी जी जी, जी। नहीं अभी यहाँ पे दिख चुका है, इसमें है यहाँ पे, वही तो हम लोग देखे हैं, तभी तो आपको बुलाए हैं सर, इसमें जी सर, आते हुए देखे हैं और आलू में घुसा है। जी सर, नहीं सर दिख नहीं रहा, लेकिन घुसा है इसी में है। आया था इसी तरफ से, आया था ना इधर, इधर ही है। जी ऐसा, आप लोग किनारे भी देखते हैं, उन्हें उस पर किनारे से निकल जाए। हाँ जरा बात करते रहे, टार्च इधर भी दिखाते रहे। हाँ टार्च दिखाते रहे, हो सकता है किनारे से निकल जाए, हम लोग ना जान पाए। बहुत काला है, रेस्क्यू टॉम से पकड़ चुके हैं। हाँ जी सर, ये भारत का सबसे जहरीला सांप इंडियन कॉमन करायल है, साइलेंट किलर। ये दिखने में जितना सुंदर है उतना ही जहरीला है। तभी तो हम सर देखे थे इसके पीठ पे जो काला सफेद निशान था, इसीलिए तो आपको बुलाया गया। मिस्त्री वही नहीं रहा यार, बाहर बाहर चलिए, बाहर चलिए, बाहर चलिए, काफी जहरीला है। रुको यार, नहीं छुआ दियो, ध्यान दियो मिस्त्री।
आप देख पा रहे हैं भाई का सबसे जहरीला सांप इंडियन कॉमन करेट स्नेक। हाँ सर, खतरनाक तो है ही। और इन्हें पैक करते हैं। हाँ जी सर, इसको पैक कर दीजिए। और उन्हें हम पैक कर चुके हैं जी सर, और उनके नेचर में पर्यावरण में रिलीज कर देंगे ताकि वहाँ पे एक नया आशियाना बना के अपना स्नेक को पर्यावरण में रिलीज करने के लिए आ चुके हैं। इस स्नेक को हम रामापुर गांव से रेस्क्यू किए थे और इन्हें इनकी नेचर पर्यावरण में रिलीज करने के लिए आ चुके हैं। और आप देख रहे हैं कि ये भारत का सबसे जहरीला इंडियन कॉमन करेट स्नेक है, जिसे हम जंगल में इसके नेचर में पर्यावरण में रिलीज करने के लिए आ चुके हैं। ये भारत का सबसे जहरीला स्नेक इंडियन कॉमन करेट है। पर्यावरण में जाने के लिए बेहद परेशान और इसे हम पर्यावरण में रिलीज करने के ही लिए आए हैं। भारत का सबसे जहरीला स्नेक इंडियन कॉमन करेट। लेट नाइट मूवमेंट करने वाला। अब ये स्नेक ज़्यादातर रात में ही एक्टिव होता है और ख़ास करके खाट बिस्तर पे चढ़कर वाइट कर जाता है, क्योंकि ये ठंडे खून वाला जीव होता है और इसे इंसान के शरीर का ताप बहुत सुंदर लगता है और एक चारपाई पे चढ़ के बिस्तर में छिप जाता है। और ये बिस्तर में छिप करके जैसे कोई इंसान करवट लेता है तो वाइट कर लेता है, काट लेता है, और इसके काटने का कोई लक्षण भी नहीं दिखता, जिसे लगता है कोई चींटी ने काट लिया और लोग जान नहीं पाते हैं। और 4 से 5 घंटा के अंदर पेट में काफ़ी दर्द उठता है और इसके कोई लक्षण नहीं लगते, लेकिन अगर ऐसा कोई लक्षण दिखे तो आप अपना बिस्तर चेक कर लें कि कहीं आपके बिस्तर में ऐसा कोई जहरीला सांप तो नहीं है। और अगर ऐसा सांप बाइट कर लेता है, काट लेता है, तो आप सीधे हॉस्पिटल का मेडिसिन का सहारा लें, नहीं मौत हो सकती है। ये भारत के सबसे जहरीले सांपों में से एक है। ये कोबरा के जहर की अपेक्षा ये 5 गुना जहरीला होता है और ये जितना ही सुंदर है उतना ही ये जहरीला। भारत का सबसे जहरीला इंडियन कॉमन करेट स्नेक। और इसका मुख्य आहार है, ये अपने से छोटे छोटे सांपों को आसानी से खा लेता है। ये चूहों का ही शिकार बनाता है, वो चूहा और स्नेक को ही अपना ये शिकार बनाता है और ये अपना जीवन यापन करता है। और ख़ास करके अनाज के पास चूहे होते हैं और वहाँ पर ये जाता है, और अगर कहीं छोटा सा स्नेक आ जाता है उसको भी आहार में ले लेता है। जितना ही खूबसूरत है उतना ही जहरीला। आप देखिए कितना खूबसूरत। अब इसे आप देख लीजिए इसके पैटर्न को, ये काले में वाइट वाइट पट्टी है डबल डबल। और ये भारत का सबसे जहरीला स्नेक है इंडियन कॉमन करेट। और इसे अब हम पर्यावरण में रिलीज करने जा रहे हैं और ये पर्यावरण में जाने के लिए बेहद परेशान है और यहाँ पर एक अपना एक नया आशियाना बनाकर और ये अपना यहाँ पे जीवन आसानी से व्यतीत करेगा। और इसे अब हम पर्यावरण में रिलीज कर रहे हैं और आप देख पा रहे हैं कि ये कितना खूबसूरती के साथ ये पर्यावरण में जा रहा है। ये इतना खूबसूरती के साथ ये पर्यावरण में जा रहा है स्नेक, आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत स्नेक। ये
आप देख पा रहे हैं कितना खूबसूरती के साथ ही पर्यावरण में जा रहा है। और हमारा कार्य अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।